बहुत अपमानित महसूस करते हैं, इसलिए बिना मांगे हमने सभी कब्रिस्तानों की चार दीवारी भी पक्की कराने का काम किया। ये सोच थी हमारी और उस सोच को सिरे चढ़ाने के लिए हमने आप लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की थी, लेकिन दुर्भाग्य देश का ये रहा, बदकिस्मती देश की ये रही कि कुछ लुटेरे वर्ग के लोगों के हाथ में सत्ता आ गई। उनका काम केवल पैसा बटोरना है, वो ऐसे कानून बनाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से सारा पैसा इस देश के मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगी घराने हैं, अंबानी है, अडानी जैसे लोग हैं, उनके पास चला जाता है और उनसे वो पैसा सीधा खा जाता है। इसलिए आज देश बर्बादी के कगार पे खड़ा है और दुखी लोग इस सरकार का पतन करना चाहते हैं। आपके संघर्ष के लिए मैं आपको बधाई दूंगा कि आपके इस संघर्ष की वजह से निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा।